इसको टिल्ट करके बाहर निकालेंगे पूरी फ्रेम को। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आइए का मात यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ सुधाकर। आज के इस एपिसोड में हम जानकारी लेंगे इंडिया का सबसे फेमस बिजनेस नमकीन बिजनेस की। इस बिजनेस की जानकारी देने के लिए आरडी इंडस्ट्रीज से नीरो ब्रांड से याग्निक पटेल जी हमारे साथ है, जो कि हमें इस बिजनेस की जानकारी देने वाले है। तो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल बटन दिख रहा है उसके ऊपर प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाते हैं दोस्तों, इसके लिए इस वीडियो को कम से कम 25 से 30 हज़ार लाइक हमें मिलने चाहिए। इस बिज़नेस की जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमकीन बनाने के बिजनेस के लिए हमें 4 से 5 मशीन की आवश्यकता रहेगी। पहला तो ये है आटा गूंदने का मशीन, इसकी ज़रूरत रहेगी। और इसके बाद नमकीन बनाने के लिए नमकीन मशीन की ज़रूरत रहेगी। नमकीन बनाने के बाद बने हुए नमकीन में से ऑयल निकालने के लिए ऑयल ड्रायर की ज़रूरत रहेगी हमें। और इसके बाद ये नाइलॉन सेव का मशीन है, ये मशीन से हम नाइलॉन सेव बना सकते हैं। और इसके बाद ये पांचवी मशीन है जिसमें हम नमकीन मसाला मिक्सिंग कर सकते हैं। इसमें फ्राइम्स भी हमें मिक्सिंग कर सकते हैं। कोई भी नमकीन है उसके ऊपर मसाला लगाने के लिए मशीन यूज़ की जाती है। नमकीन बनाने के लिए पहले हमें आटा गूंदना होगा। तो ये हमने आटा ले लिया है, तो पहले हम आटा मशीन के अंदर डालेंगे। अब हम मशीन चालू करेंगे। अब इसके अंदर हम हींग डालेंगे। अब इसमें थोड़ा नमक डाल देंगे हम। अब इसके अंदर हम ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। जितना आटा हमें टाइट रखना है उसके हिसाब से पानी डालेंगे हम। हम इसमें अब ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा ऑयल डालेंगे। इसमें हम थोड़ा अजमा डाल देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सोडा डाल देंगे नमकीन को नरम बनाने के लिए। अब हमारा आटा गूंदने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। मशीन में बाउल को हम ब्रेक कर देंगे। लगभग हमारा आटा गूंदकर तैयार हो रहा है। अब हमारा आटा गूंदकर रेडी हो गया है। अब हम मशीन को बंद कर देंगे। अब हम कढ़ाई की साइज और हमारी जरूरत के हिसाब से इसमें ऑयल डालेंगे हम। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम अब नमकीन बनाने के लिए नमकीन मशीन का इस्तेमाल करेंगे। इसको फरसान मशीन भी कहा जाता है। ये मशीन के साथ हम 10 अलग अलग जाली आप प्रोवाइड करते हैं। ये 10 जालियाँ के 10 जालियों से हम सेव, गाठिया, पापड़ी, रतलामी सेव, भावनगरी गाठिया, चंपाकली गाठिया, वैसे अलग अलग नमकीन बना सकते हैं 10 टाइप की। हम नमकीन मशीन के अंदर पापड़ी की जाली लगा के पापड़ी का प्रोडक्शन कैसे करते हैं वो हम दिखाएंगे। हमारा गूंदा हुआ आटा भी रेडी है। अब हम नमकीन बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। ये बहुत अच्छा लघु उद्योग है। ये उद्योग को महिला भी घर पे चला सकती है और इसकी मार्केट में डिमांड भी अच्छी खासी बहुत अच्छी है। अब हम नमकीन बनाना स्टार्ट करेंगे। हम मशीन को शुरू करेंगे।
हमें यहाँ पे डिस्टेंस ध्यान में रखना है, ऑयल और जाली के बीच में जो डिस्टेंस है उसको ध्यान में रखना है। ऐसे हम डालेंगे आटे को। हमारे यहाँ पे पापड़ी का फ्राई चालू है, अभी ये फ्राई होने को आया है। अब हम भावनगरी गाठिया बनाए गए, बिजनेस में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे पुराने कस्टमरों में महिलाएं भी साथ जुड़ी हुई है। कई कस्टमरों ने बहुत छोटे पाय पे धंधा स्टार्ट किया था, अब वो कंपनी लेवल पे काम कर रहे हैं। इस समय उतना बड़ा उतना उद्योग हो चुका है वो अपना। ये मशीन को ऑपरेट करना बहुत इजी है, इसको महिलाएं भी आसानी से ऑपरेट कर सकती है और बहुत आसान है ये बिजनेस। आप ये बिजनेस ने काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सर, सबसे पहला और अहम सवाल आपसे ये है कि भाई अभी ये जो नमकीन का जो प्रोडक्ट है इसका मार्केट कैसा चल रहा है? देखिए सुधाकर जी, हाँ। ये एक ऐसी चटपटी चीज़ है कि आप कहीं पे भी आसपास अपनी गली मोहल्ला में कहीं पे भी देखें, डिस्ट्रिक्ट लेवल के पे भी, तो आपको ठहर ठहर ये चीज़ किराना की दुकान है, शॉपिंग मॉल है, सब जगह ये आपको देखने को मिलेगी। तो आप इसके ऊपर से ही अंदाज लगा के सोच सकते हो कि इसका कितना मार्केट में डिमांड है। नहीं बिल्कुल सर ने दोस्तों सच कहा है, आप अपने नज़दीकी जितने भी किराना शॉप है, स्वीट होम है और मॉल्स है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि नमकीन के छोटे छोटे पैकेट प्रोडक्ट कहीं जगह किलो के हिसाब से, कहीं जगह 5 रुपये 10 रुपये के पैकेट भी बहुत आसानी से बिक रहे हैं। अब ये बताइए, कोई इस बिज़नेस को शुरू करता है तो इसको बनाने का जो भी फार्मूला है, कोई बंदा अगर आता है बोलता है कि भाई मैं ये बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ लेकिन इसको प्रोडक्ट बनाने के लिए उसे आएगा नहीं, वो कैसे रहेगा? देखिए इसमें है ना, किसी को नमकीन का बिजनेस स्टार्ट करना है तो हम मशीनरी के साथ कैसे नमकीन बनाते हैं उसका फॉर्मूला भी प्रोवाइड करेंगे। और काफ़ी ऐसे हमारे पुराने कस्टमर है जो छोटे लेवल से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था और आज एक बड़ी ब्रांड बना चुके हैं वो लोग, और अभी एक बड़ी कंपनी लेवल का काम कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं सब। तो हम ये जो फॉर्मूला है वो सब प्रोवाइड करेंगे ही। यानी दोस्तों अगर आप ये बिज़नेस शुरू करते तो सर आपको बिज़नेस की शुरुआत से लेकर आखिर तक सपोर्ट करते हैं कि इस बिज़नेस को कैसे चलाना है, इसे कैसे आगे ग्रो करना है। अब ये बताइए सर, इसमें मुनाफा कितना मिलेगा? मान लीजिए कोई शुरू करता है, 100 रुपये किलो आइटम बिक रहा है नमकीन का, तो इसमें मुनाफा कितना मिल सकता है? देखिए इसमें आप मान लीजिए 100 रुपये में ये जो चीज़ है, 100 रुपये पर केजी बिक रही है कोई चीज़, हाँ। तो उसमें खर्चा निकाल के 20 रुपये तो आपको प्रॉफिट रहेगा ही। 20 पूरा खर्चा, बिजली खर्च, मजदूर खर्च सब निकाल कर? हाँ सब निकाल कर 20 रुपये तो आपको पड़ेगा ही प्रॉफिट तो। अच्छा, तो आपकी जो मशीन है इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? इसकी सुधाकर जी, इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी मिनिमम तो 50 केजी आप पकड़ लीजिए, 50 केजी मिनिमम इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी रहेगी पर 1 आवर। अच्छा, यानी दोस्तों अगर आप 20 रुपये मुनाफे से अगर देखा जाए तो प्रति घंटा आप 1000 रुपये की कमाई कर सकते हैं। अगर दिन में आप 4 से 5 घंटा इस मशीन पे वर्क करते हैं तो दिन के आप 5000 रुपये भी कमा सकते हैं। सर इतना सारा प्रोडक्शन होगा तो जब माल बिकेगा तभी कमाई होगी, तो इतना सारा प्रोडक्शन उसे बेचने की कुछ टिप्स है, कहाँ बेचा जाए और कैसे बेचा जाए? देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके आसपास कहीं भी देखो नमकीन के ठहर ठहर आपको देखने को मिलेगा ये सब प्रोडक्ट। तो आपके आसपास किराना की दुकान है, शॉपिंग मॉल है और दूसरे जो होलसेल में भी आप इसका सेल कर सकते हैं, वैसे आपके आसपास इसका मार्केट है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेंगे ना तो आपके पास कितना भी नमकीन का प्रोडक्शन हो आपका सेल होता ही है। यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बहुत बड़े बड़े होलसेलर बैठे जो कि आपको बल्क में ऑर्डर देंगे, इसलिए आपको इस माल को बेचने के लिए आसानी हो सकती है। सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट सवाल यह है कि अगर कोई इसे शुरू करना चाहता है तो इसके लिए इस बिज़नेस की पूरी सेटअप के लिए कितना खर्चा आ सकता है?
देखिए अभी हमने इस वक्त जो ये सेटअप का डेमो दिखाया है, इसमें नायलॉन सेव की मशीन को छोड़ के आप 1,30,000 का ये प्लांट लगता है, तो 1,30,000 में आप स्टार्ट कर सकते हैं ये बिजनेस। अभी नायलॉन सेव की भी आपको प्रोडक्शन करती है, तो उसकी मशीन आपको अलग से ऐड करनी होगी इसमें। यानी दोस्तों, अगर आप सिर्फ फरसान का उद्योग शुरू करना चाहते हैं, नमकीन का उद्योग शुरू करना चाहते हैं, तो लगभग 1,30,000 में उद्योग शुरू कर सकते हैं। जैसे कि सर ने कहा कि नायलॉन की मशीन जो हम देखते हैं कि पानीपुरी शॉप पर जो छोटे छोटे सेव दिखती है, वो अलग से खरीदनी पड़ेंगी आपको। अगर आपको ये बिज़नेस शुरू करना है और इसकी सारी जानकारी लेनी है, अगर आपको खुद का नमकीन का कारखाना शुरू करना है, जो कि ये बिज़नेस मेरी माने तो आज के इंडिया में ट्रेंड पर चल रहा है, आप किसी नज़दीक में किसी भी पान डब्बे पर भी जाएंगे तो इसके पैकेट आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपको ये बिज़नेस शुरू करना है तो सरकार नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उन्हें कॉल कीजिए और इस बिज़नेस के संबंधी अधिक जानकारी लीजिए। तो फिर मिलेंगे और एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ, तब तक लिए जय हिंद दोस्तों।